एमिटी यूनिवर्सिटी और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित झारखंड विकसित भारत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में 28 और 29 जनवरी को किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य नए आइडियाज को तलाशना है ताकि अकादमिक और इंडस्ट्री के बीच अच्छे संबंध बने रहे, जिसके सहयोगनात्मक अनुसंधान, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न संस्थानों, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के स्पीकर के साथ पैनलिस्ट शामिल होंगे। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति ने बताया कि मौजूदा समय में इंडस्ट्रीज बताती है कि क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऐसे कॉन्फ्रेंस का होना बेहद जरूरी हो गया है। कि अभी हमारी डिमांड जो है मैन्युफैक्चरिंग में है, कि कंप्यूटर साइंस एरियाज में है, कि रोबोटिक्स में है, कि ड्रोन्स में है, इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री ही में सबसे बड़ी इंप्लायर होती है टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम का, इसलिए उनकी रोल, इसलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से है, सीपी से है, टाटा से है, आपका सेल्स है, कौन से हैं, ये सारे लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए वो उस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।